नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे इस देश में भी है अयोध्या और सरयू नदी। जानिए इसका इतिहास। भारत में अयोध्या है ये तो सभी को पता है। दक्षिण पूर्व एशिया स्थित देश थाईलैंड भी प्रभु श्री राम के जीवन से प्रेरित है। थाईलैंड के प्रमुख पर्यटन स्थलों में आता है प्राचीन शहर अयोध्या। अयोध्या इतिहास में श्याम राज्य के राजधानी के तौर पर किया गया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि हम इसी तरह की न्यूज आपके लिए लेकर आते रहते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। अयोध्या नगरी की स्थापना एवं इसके इतिहास में यहाँ के आस पड़ोस की जगहों का काफी महत्व और योगदान है। छोप्रया, पालक एवं लोकपुरी नदियों के संगम पर बसा द्वीपनुमा शहर अयोध्या व्यापार, संस्कृति के साथ साथ आध्यात्मिक अवधारणाओं का भी गढ़ रहा है। थाईलैंड की अयोध्या। इस बीच थाईलैंड की अयोध्या का जिक्र हो रहा है। अयोध्या का मतलब है अपराजय। अयोध्या से इस शहर का नाम जुड़ने की वजह यह है कि ईसा पूर्व द्वितीय सदी में इस क्षेत्र में हिंदुओं का वर्चस्व काफी ज्यादा था। पुरुषोत्तम राम के जीवन चरित्र पर भारत में भगवान वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण थाईलैंड में महाकाव्य के रूप में प्रचलित है। लिखित साक्ष्यों के आधार पर माना गया है कि इसे दक्षिण एशिया में पहुंचाने वाले भारतीय तमिल व्यापारी और विद्वान थे। पहली सदी के अंत तक रामायण थाईलैंड के लोगों तक पहुंच चुकी थी। वर्ष 1360 में राजा रमाथिबोडी ने तर्वदा बौद्ध धर्म को अयोध्या शहर का शासकीय धर्म बना दिया था, जिसे मानना नागरिकों के लिए अनिवार्य था। लेकिन फिर भी इसी राजा को हिंदू धर्म का प्राचीन दस्तावेज ही लगा, जिसे प्रभावित होकर इसने हिंदू धर्म को ही यहाँ का आधिकारिक धर्म बना दिया, जो अब से एक शताब्दी पहले तक वैध था। 15वीं शताब्दी में थाईलैंड की राजधानी अयोध्या शहर था, जो स्थानीय भाषा में अयोध्या का समानार्थी है। बाद में बर्मी सेना के आक्रमण के दौरान पूरा शहर तबाह हो गया, साथ ही मंदिर की मूर्तियां भी नष्ट कर दी गई थी। चक्रीवंश। दक्षिण पूर्व एशिया के देश थाईलैंड में एक वक्त पर राम का ही राज था। माना जाता है कि वहां चक्रीवंश के पहले राजा की उपाधि ही राम प्रथम थी। थाईलैंड में आज भी यही राजवंश है। जब बर्मा की सेना यहां से चली गई तो देश में अपनी सांस्कृतिक जड़ों को खोजने की मुहिम चली। इसी दौरान रामायण को यहाँ दोबारा प्रतिष्ठान मिलनी शुरू हुई। रामायण का जो संस्करण आज यहाँ प्रचलित है, वो राम प्रथम के संरक्षण में रामलीला के रूप में 1797 से 1807 के बीच विकसित हुआ था। राम प्रथम ने इसके कुछ अंशों को दोबारा लिखा भी है। महाकाव्य राम कीर्तन में ये बातें कही गई है कि जो स्थानीय भाषा में रामायण का ही नाम है। थाईलैंड में राजा सहित तकरीबन पूरी आबादी राम कीर्तन के 18वीं शताब्दी में अस्तित्व में आए। संस्करण को राष्ट्रीय ग्रंथ की तरह मानती है। शहर का पुनर्निर्माण। थाईलैंड में लोकतंत्र की स्थापना 1932 में हुई थी। इसके बाद 1976 में थाईलैंड की सरकार ने इस शहर के पुनर्निर्माण पर ध्यान दिया। यहाँ के जंगलों को साफ कर शहर में मौजूद अवशेषों की मरम्मत कराई गई। शहर के बीचों बीच एक प्राचीन पार्क मौजूद है। इसमें बिना शिखर वाले खम्बे, दीवारें, सीढ़ियां और बुद्ध की सिरकटी प्रतिमा मौजूद है। इस पार्क में एक बुद्ध का सैंड स्टोन का बना सिर पीपल के वृक्ष की जड़ों में जकड़ा हुआ है। यह पेड़ अयोध्या में वट महाथाट यानी 14वीं शताब्दी के प्राचीन साम्राज्य के स्मृति चिन्हों वाले मंदिरों के अवशेषों में मौजूद है। साल 2018 में थाईलैंड में एक भव्य राम मंदिर का निर्माण करने की घोषणा की। इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। यह राम मंदिर शहर के किनारे प्रसिद्ध सोराई नदी के तट पर बनाया जा रहा है। बता दें कि थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक को महेंद्र अयोध्या भी कहते हैं। लोगों का मानना है कि यह इंद्र की बनाई गई महान अयोध्या है। इस तरह हो रही इसकी दशा। अयोध्या का सबसे महत्वपूर्ण भवन है तीन छेदी, जिसमें तीन राजाओं की खाक मिली है। यह जगह खास लोगों को समर्पित की गई है। यहाँ पूजा अर्चना की जाती थी और समारोह आयोजित होते थे। विहार फ्रा मो खोन बोफिट एक बड़ा प्रार्थना स्थल है। यहाँ बुद्ध की एक बड़ी प्रतिमा है। यह पहले 1538 में बनाई गई थी, लेकिन बर्मा द्वारा अयोध्या पर चढ़ाई के दौरान नष्ट हो गई थी। यह प्रतिमा पहले सभागार के बाहर हुआ करती थी, बाद में इसे बिहार के अंदर स्थापित किया गया। जब बिहार की छत
टूट गई तब एक बार फिर प्रतिमा को काफी नुकसान पहुंचा और राजा राम सष्टम ने लगभग 200 वर्षों बाद इसे वहां से हटवाकर संग्रहालय में रखवा दिया। 1957 में फाइन आर्ट ट्रस्ट विभाग ने पुराने विहार को फिर से बनवाया और सुनहरे पत्तों से ढककर बुद्ध की प्रतिमा को फिर से पुरानी जगह पर रखवाया। फ्रा बेदी भी सी सूर्योताई स्मारक रानी सूर्योताई के सम्मान में बनवाया गया था।